जब मैं हैंडसम बॉय बना, डिंग डिंग। तो सब समझ गए ना शिंजो और शिशुमानु? तुम हमेशा हमारे सामने एक मिसाल कायम करते हो। लुक बदलने की निंजा टेक्निक। ये तो पापा है। सच में कमाल कर दिया। अब इसे देखो। हेलो मम्मी यहाँ है। हेलो दोस्तों। हेलो। सच में लाजवाब हो। ये तो सिर्फ तुम्हारी शुरुआत है, तुम्हारी ट्रेनिंग अब से शुरू हो रही है। भागते समय अपना हुलिया बदलना बहुत जरूरी होता है। अब और देखो। तुम बहुत तेज भाग रहे हो तड़ी। आप तक किसी की भी तला बन सकते हो। बिल्कुल, लेकिन खुद को अनजान आदमी में बदले बिना ये नहीं कह सकता कि मैं इस टेक्निक को जानता हूँ। ये क्या? संभालो युविका। आजकल के बच्चे उड़ने लगे हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो बच गई। थैंक यू वेरी मच। कितना हैंडसम है। कुछ सोच रही हो क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। शायद ये हैंडसम लड़के को देखकर नर्वस हो रही है, बोल नहीं पा रही। अब बताओ यंगल, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कौन हो? मैं हाइकी हूँ। जब तुम जैसी अच्छी लड़कियों के साथ कुछ बुरा होता है मुझे बहुत अफसोस होता है। अच्छा मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। ओके बाय, फिर मिलेंगे। हे एक मिनट रुको। दिखाई नहीं देता क्या? ओह आई एम सो सॉरी। प्लीज मुझसे दोबारा मिलने जरूर आना। वाह कितना क्यूट है, काश ही मेरा बॉयफ्रेंड होता। इसका मतलब उसने तुम्हें चैलेंज किया? बिल्कुल, मैं इतने सालों से युमिको को इम्प्रेस करने में लगा हुआ हूँ और उसने एक मुलाकात में मेरी मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश की। मैं उसे ढूंढ कर ही दम लूंगा और उसे वहीं खत्म कर दूंगा। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि असल में वो लड़का कौन था केनिची? मैं उसे नहीं जानता और असल में उसने मुझे धक्का दे दिया था। अगर ऐसा है तो फिर मुझे लगता है वो। तुम्हें क्या हुआ हथौड़ी, तुम उस लड़के को जानते हो? नहीं नहीं मैं उसे नहीं जानता, मैंने उसे देखा तक नहीं। अच्छा फिर मिलेंगे। इस बार इसका इरादा बहुत पक्का लगता है, पता नहीं आगे क्या होगा। वो सच में बहुत गुस्से में था। मुझे लगता है अब मुझे सारी सच्चाई फौरन युमिको को जाकर बता देनी चाहिए। मेरे ख्याल से उसे सब कुछ बताने का यही अच्छा मौका है। ऑल द बेस्ट भले भाई। हाय यंग गर्ल। तुम तुमसे इतनी जल्दी दोबारा मुलाकात हुई, इसका मतलब हमारे बीच जरूर कोई मजबूत दोस्ती का रिश्ता है, तुम्हें नहीं लगता? मेरा घर रास्ते में ही है, चलो मेरे घर चलो। चलो ना। नहीं नहीं सुनो सुनो मेरी बात तो सुनो। चलो ना। अरे रुको मेरी बात तो सुनो। भले भाई भी ना। और इस तरह वो लड़का युमिको के घर चला गया और खूब मजे से उसने केक खाए। मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा, तुम्हें उसे ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। असल में वो बात। क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा भी उसे मजा चखाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हथौड़ी तुम भी मेरे साथ चलकर उस नमूने को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। समझ गया। कहीं नजर नहीं आ रहा, उधर जाकर देखता हूँ, आज वो जरूर सामने आएगा। अब क्या करे भले भाई, इस तरह तो वो उसे महीनों तक ढूंढता रह जाएगा। लगता है अब मेरे पास फिर से वो लड़का बनकर सब कुछ बताने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। जल्दी से ये खत्म करना होगा। इस बार मैं युमिको की बातों में नहीं आऊंगा, उसे सब कुछ सच बता कर ही रहूंगा। ओए रुक जा। आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया, वहीं रुक जाओ।
एक मिनट रुको, प्लीज पहले मेरी बात तो सुनो। रुक जाओ। केनिची अपनी स्टिक हटाओ। तुम अपनी स्टिक क्यों नहीं खींचते? अब तुम समझे उस दिन क्या हुआ था? अब प्लीज मुझे युमिको के पास जाकर उसे सच सच बताने दो, ठीक है? ओए अगर ये बात है तो तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? जाओ और फौरन जाकर उससे माफी मांगो। निंग निंग। क्या उस दिन वो तुम थे? मैं सच कह रहा हूँ, असल में मैं शिंजो को उस दिन हुलिया बदलने की निंजा टेक्निक सिखा रहा था, लुक बदलने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। युमिको को अब शायद यकीन आ रहा है। नहीं, मुझे तुम पर यकीन नहीं है हथौड़ी। जरूर केनिची ने तुम्हें मेरे सामने इस तरह आने के लिए कहा होगा ताकि मैं उस लड़के के बारे में ना सोचूं। मुझे ध्यान से देखो, मैं हथौड़ी हूँ। प्लीज इधर देखो, मैं निंजा हथौड़ी हूँ, ये देखो। I'm sorry, मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं करने वाली। पता नहीं मैं उससे दोबारा कब मिल पाऊंगी। अब क्या करूँ? समझ में नहीं आ रहा युमिको को यकीन कैसे दिलाऊं। क्या आपके पास कोई आइडिया है? डिंग डिंग।